सियासत में दबंगई हो या दबंगई से सियासत, भद्री नरेश रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की यही पहचान है। विवादों के इस राजा का नाम तो वैसे रघुराज प्रताप सिंह है, लेकिन कोई राजा भैया के नाम से पुकारता है तो कोई तूफान सिंह के नाम से। राजा भैया कई बार विवादों में आए, कभी हत्या, कभी डकैती, कभी अपहरण, तो कभी कोई और विवाद, तो कभी कोई सियासी विवाद। ये अलग बात है, विवाद भले ही नामों से जुड़ते गए, राजा भैया का कद हर तरीके से बढ़ता चला गया, वो चाहे सामाजिक हो या फिर राजनीतिक। निर्विरोध चुनाव लड़ना, उसमें जीत लेना और फिर राज्य सरकार में मंत्री बन जाने की उनकी सियासी कला, दरअसल एक किस्म की राजनीतिक दबंगई का नाम है। राजा भैया को किसी ने मुलायम का करीबी माना तो किसी ने राजनाथ सिंह का, लेकिन उनकी राजनीतिक चाल और चतुराई ने उनके विरोधियों की सियासी कहानी को कुंडा में कभी शुरू ही नहीं होने दिया। राजा भैया ने सिर्फ 24 साल की उम्र में राजनीति में हाथ आजमाना शुरू किया और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत लिया। राजा भैया का जन्म साल 1967 में 31 अक्टूबर को भद्री रियासत में हुआ था। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह की छवि उनके इलाके में काफी अच्छी है। राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। यूपी के इलाहाबाद के आसपास के कई जिलों में राजा भैया राजनीति की एक धुरी बन चुके हैं। साल 1993 में राजनीति में राजा भैया ने कदम रखा, पहली बार इसी साल में विधायक बने। इसके बाद से आज तक इलाके के लोगों ने सिर्फ राजा भैया को ही जीत दिलवाई है, विरोधी चुनावों में सिर्फ हार जाते हैं। राजा भैया से पहले कांग्रेस से साल 1962 से लेकर 1989 तक कांग्रेस के नियाज हसन जीतते थे, लेकिन 1993 के बाद कहानी ही बदल गई। समझ लीजिए कि एक निर्दलीय विधायक को 1993 और 1996 में बीजेपी ने परोक्ष रूप से सपोर्ट किया, 2002, 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। घोड़सवारी के शौकीन राजा भैया एक बार घोड़े से गिर गए, दो पसलियां टूट गई। खाली वक्त में कुंडा की सड़कों पर बुलेट दौड़ाना, जिप्सी के साथ ही हेलीकॉप्टर की सवारी करना राजा भैया को खूब पसंद है। उनके पास करीब 200 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति बताई जाती है, जिसमें पैतृक संपत्ति भी शामिल है। साल 1996 में कल्याण सिंह राजा भैया के गढ़ में पहुंचे थे, बहुत नाराज थे। कुंडा में हुंकार भरी थी, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। साल भर बाद राजा भैया कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बन गए, फिर रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। इस बीच 1997 में पोटा के तहत जेल जाना पड़ा, पर भारत के जनतंत्र के चारों स्तंभ राजा भैया से प्यार करते थे, वो जेल से एक दिन में छूट गए। साल 2002 में राजा भैया को मायावती ने जेल भेजा। राजा भैया के साथ ही उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह पर किडनैपिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। हुआ ये था कि बीजेपी के विधायक पूरन सिंह बुंदेला ने 2002 में उनके खिलाफ किडनैपिंग का केस लगाया, तभी पोटा के तहत गिरफ्तारी हुई। जिस समय वे जेल में थे तब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उन्हें अकेले छोड़कर उन्हें जेल जाना पड़ा। उनके जेल में रहने के दौरान ही उनकी पत्नी ने दो बच्चों को जन्म दिया। 2003 में मुलायम सिंह की सरकार के आने के बाद उन पर लगाए गए सारे आरोपों को हटा लिया गया था, वे रिहा हो गए थे। जिस वक्त राजा भैया की पोटा के तहत गिरफ्तारी हुई, उसी साल बेती पोखरा कुंडा में छनवाया गया। कहा जाता था कि उसमें मगरमच्छ था। राजा भैया ने कहा कि अगर तालाब में मगरमच्छ होता तो सारी मछलियां नहीं खा जाता। कहते हैं कि जब लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था राजा भैया से। कुंडा में राजा भैया का अपना कानून है, लड़ाई दंगे घर परिवार की लड़ाई पर लोग पुलिस मुकदमा नहीं करते, राजा भैया के महल में जाकर उनसे न्याय मांगते हैं। कहते हैं कि राजा भैया का घर न्याय का घर है। राजा भैया के राजनीतिक सफर के साथ ही बताते हैं कि उनके पिता कभी उनके लिए वोट नहीं मांगते, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वो कभी वोट देने भी नहीं जाते हैं। सियासत में राजा भैया अभी लंबी पारी खेलने के मूड में है। खुद को लगभग हर पार्टी के साथ बैठा लेने वाले राजा भैया कई बार मुश्किल में पड़ने के बावजूद यूपी की राजनीति में किसी न किसी तरह से अपनी जगह बना ही लेते हैं। इसीलिए कई दफे इस्तीफा होने के बाद भी उनके राजनीतिक करियर के अंत होने का कयास अभी तक किसी ने नहीं लगाए हैं।